सारा गाड़ी दहीने दहीने जा रहा है। ये देखिए ट्रॉलर जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसका मालिक आ गया हुआ है और ये लोग वहाँ पे कार्रवाई चल रहा है, अपना काम कर रहा है जो करना है। यहाँ पे लोडिंग दे रहा है, पहले जहाँ पे हम लोग लगे थे वहाँ पे माल खत्म हो गया और देख सकते हैं वो सीरियल है हम लोग का पहले वाला, अब वहाँ खत्म हो गया तो वहाँ से अभी 500-600 फीट हाइट पे, यानी टोटल हम लोग 800-900 फीट हाइट पे आए हैं, ऊपर में लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे डाउनिंग जाना बहुत मतलब की दिक्कत वाली बात है और प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अभी तो खैर उतना मुश्किल नहीं है कि बारिश नहीं हुआ है, सूखा है पूरा। अब बारिश जब हो जाता है ना तो ये मिट्टी पूरा कादो हो जाता है, एकदम स्लिप करता है चक्का। तो यहाँ पे अभी लगभग टाइम काफी हो गया हम लोगों को, 11-12 बजने वाला है, सुबह से घुसे हुए अभी तक लोड होकर निकला नहीं गाड़ी। सबसे हाइट में हम लोग आए हैं लोडिंग करने के लिए, जो लोड हो रहा है और दूसरा ये, उसके बाद हमारा गाड़ी लगेगा लोड होने के लिए। समझ लीजिए सुबह से 12-1 बजने वाला है, अभी तक हम लोग प्लांट के अंदर में है। टोटल गाड़ी 12-13 गाड़ी हमारे आगे था और एक जगह से दो जगह भेजा, वहां से फिर तीसरी जगह भेजा, लास्ट में यहाँ पे भेजा, तब जाके लोड हो रहा है। पहले जगह जहाँ हम लोग लगे थे सीरियल में, वहां पे माल खत्म हो गया जिसकी वजह से लेट हो गया, नहीं तो अभी तक लोड करके हम लोग बाहर निकल जाते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तीसरा दिन है और सीरियल हम लोग अभी मारुति कांटा से 1 किलोमीटर पीछे है। थोड़ा बहुत बढ़ा था कल, आज बिल्कुल नहीं बढ़ा है और टोटल गाड़ी आप देख सकते हैं दहने दहने जा रहा है। ये नहीं है कि पुलिस वाला नहीं रोक रहा है, पुलिस वाला है, बस उनको 200 रुपया दे दो छोड़ दो। और हम लोग का जो मालिक है, 4-5 जगह यहाँ पे रोकता है लोग, कहीं कहीं घुमा भी देगा, कहीं ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन हम लोग का मालिक बोल रहा है कि आप लोग सीरियल में ही आओ। तो सीरियल में जाएंगे तो बताओ कितना दिन लगेगा। सारा गाड़ी कम से कम रात से अभी तक 300-400 गाड़ी गया है दहने दहने, सारा गाड़ी देख सकते हैं पूरा दहने दहने जा रहा है, सब आयरन लोड है और हम लोग यहाँ सीरियल में अब क्या करें, झक मार रहे हैं हम। सुबह 5 बजे खाली हुआ है और अभी 12 बज रहा है तकरीबन, ये अब क्या कहें, दिमाग इतना खराब हो रहा है ना कि मुंह से गाली निकल रहा है। ये कांटा है और कांटा में देखिए खाली गाड़ी, टोटल इतना जाम लगा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, 4-4, 5-5 लाइन है लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। और पीछे में कांटा है लेकिन कांटा में नहीं कर रहा है लोग, पीछे भी कांटा करता तो जल्दी हो जाता। 1 घंटा में ये गाड़ी जा रहा है, अब समझ लीजिए कहाँ कांटा हो पाएगा। हमारा वीडियो जो भी ड्राइवर भाई देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग पोर्ट के अंदर का माल लाइए, बाहर का मत लाइए, क्योंकि जो अभी नया टेंडर जो लिया है ना, पता नहीं कौन सा कंपनी है, इतना मतलब कि इसका घटिया सर्विस है कि खाली हो गया है हम लोगों का सुबह में। सुबह तकरीबन 5-6 बजे खाली हुआ लेकिन 11 से ऊपर हो गया है, हम लोग पार्किंग में ही है, सीरियल में भी कांटा के सीरियल में भी नहीं गए हैं। हेलो दोस्तों, ड्राइवर भाई जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पारादीप के लिए जो भी आप लोग आयरन ला रहे हैं तो अंदर पोर्ट का लाइएगा तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी तो रात में घुस गया, शाम को ही घुसा गाड़ी और खाली हुआ है सुबह में, और सुबह में खाली होने के बाद भी हमारा गाड़ी निकला है, सॉरी गाड़ी अभी तक 11 बज गया निकला नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा सीरियल जाम लगा हुआ है, इधर 4-4, 5-5 लाइन है, बारिश अभी हो रहा है इसके लिए हम बाहर से वीडियो नहीं बना पा रहे, तो 5-5 लाइन है और कांटा एक है, इतना मतलब की लापरवाही है। पता नहीं कौन, कोई टेंडर दूसरा ले लिया है, GSW था तो अभी कोई दूसरा लिया है, चेंज किया है जो यहाँ का मतलब की सिस्टम जो है, अब इतना लापरवाही वाला है। सिक्योरिटी इधर से उधर घूम रहा है लो, लेकिन किसी को नहीं, कोई भी जरा से भी चिंता है कि भाई हम कांटा जल्दी करवाएं, गाड़ी सीरियल से घुसवाएं। कांटा एक है और स्लो, बहुत स्लो कांटा हो रहा है, तो देखते हैं। अभी फिर से आ गए हम लोग समुन्द्र के साइड में और देख सकते हैं ये बहुत विशाल जहाज है ये, और इसका नाम है विश्व आनंद, मुंबई का मतलब की ओनर है इसका, बहुत बड़ी जहाज है, कोयला लोड हो रहा है इस पे। जस्ट इसी के बगल में हमारी गाड़ी खड़ी है देख सकते हैं, और हम लोग भी कोयला लोड करने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो कोयला लोड होगा ना, ये बहुत ही अलग कोयला है और बहुत महंगा ये मतलब कि कोयला है, ये सीधा लोहा को गलाने वाला कोयला है, ये तुरंत अगर इसमें लोहा डाल दिया जाए तो तुरंत गल जाता है, बहुत ही मतलब कि इसका टेम्परेचर हाई होता है कोयला का, इसको हार्डकोक कोयला बोला जाता है, और उस साइड में रखा हुआ है वहां पे, वहीं से मतलब कि लोड होगा। चलो नजदीक से दिखा देते हैं कोयला कौन सा कोयला है, और ये रहा हमारा गाड़ी, पट्टा वट्टा सब लगा के रेडी हो गया है, ये पूरा हाइट लोड होता है, पूरा हाइट लोड होगा ताकि जितना इसमें माल जा सके, और इसका वजन बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है कोयला। तो चलिए नजदीक में हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं उधर तिरपाल से ढका हुआ है, बहुत ही सेफ्टी के साथ इसे रखा जाता है, और इस साइड में तिरपाल नहीं ढका गया इसलिए
किधर से लोडिंग देगा हम लोगों को। और इस कोयला का आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इसमें जो है ना ये देखिए कैसे कैसे मतलब कि लाइट मार रहा है, ये चमक रहा है, मतलब नॉर्मल कोयला नहीं है ये। इस ये बाहर से बन के आता है, इसमें केमिकल डाल के बनाया जाता है इसको, ये हार्डकोक बोलता है, बहुत ही महंगा बिकता है ये। सबका एक ही साइज होगा, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक ही साइज है। और ये देखिए ट्रेन में लगा हुआ है, यही कोयला लोड हुआ है उस पर, ये भी इंडिया में ही जाएगा, किसी ना किसी बड़े बड़े कंपनियों में जाता है जहाँ पे स्टील प्लांट है सब। और उस साइड में देख सकते हैं पूरा अगल बगल सारा जहाज लगा हुआ है, यहाँ जहाज लोड होता है अनलोड होता है। और हम लोग का मशीन अभी आया नहीं है, बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद आएगा लोड करने के लिए, तब तक इंतजार करते हैं।